हाँ तो भाई मेरे को बहुत दिन से इंतजार था अपने फोन का, और फाइनली मेरा फोन आ चुका है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरी तरह सो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 12 और आज डेट है 12। तो भाई सीन क्या है कि अभी मैं आप लोग ये सोचते हो हर बार ब्लॉग में कि मैं कभी कहीं जा रहा हूँ कभी कहीं जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं हाँ थोड़ा भाई आना जाना मेरा लगा रहता है। सीन ये है क्योंकि काम वाम मेरे को देखना पड़ता है ना अधिक ज्यादा, मतलब मेरे को बाहर को। और हाँ नीचे भाई नीचे जरूर कमेंट में ये बात बताना कि आप लोगों को पहले ज्यादा मेरा कैमरा अपग्रेड दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने न्यू फोन ले लिया है और वो फोन है मेरा काफी अच्छा। और ये मेरे को शेंग के भाई ने मतलब एक तरह से गिफ्ट, मम्मी और जतिन और शेंग के भाई ने हम मुझे गिफ्ट दिया, एक छोटा सा गिफ्ट। बाकी ये शॉर्ट जब मेरा ये वाला फोन आया था तो सीन क्या है कि आप ये सोचोगे कि मैं रेडी हो रखा हूँ एकदम ऐसे और कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मतलब फिर वही आ गया ब्लॉग में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ। मेरे को एक ना मतलब थोड़ा एक अर्बन बैग लेके आना है, एक क्या है कि मेरे पास ना वॉलेट टिकता नहीं है। तो वॉलेट क्यों नहीं टिकता, क्योंकि क्या होता है कि कई बार मेरे ना जेब में से इधर उधर हो गया, ये इधर उधर गिर गया, और मैं कई बार होता था कि मेरे कई काम के कागज होते थे वो इधर उधर गिर जाते थे, तो इसलिए मैं जो होता है अर्बन बैग मैं उसको लेके आ रहा हूँ। बाकी चलो फिर मेरे साथ वहीं पर शॉप पे मिलते हैं। बाकी और हाँ एक मेन चीज, आज मौसम काफी अच्छा है, मौसम एकदम अच्छे वाला है भाई, बाहर का मौसम आज एकदम मस्त है। एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बल्कि आज क्या है कि सुबह से ना बारिश हो रखी है। ये देखो बारिश होने के बाद ये लगता है कि बिल्कुल भी ना जैसे गंदे होता है ना, फिर गंदे होने के बाद एकदम धुल जाता है सब कुछ चीज। और एक बार ये पेड़ भी देखो कितना साफ हो रखा है। बाकी गली भी हमारी देखो ऑलमोस्ट अब ऑलमोस्ट क्या मतलब प्रॉपर बन गई, जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा कि गली हमारी टूट हुई थी। तो फिर चलो फिर यार, बाकी और एक चीज यार जरूर बताना आप लोग कि मेरी मतलब वॉइस में और ऑडियो क्वालिटी में और वीडियो क्वालिटी में डिफरेंट है या नहीं है, पहले वाले से अच्छा है या नहीं है। और एक बार मैं आपको पहले वाला अपना फोन और दिखाता था जिस फोन से मैं शूट किया करता था। एक मिनट रुको, अंदर चलता हूँ, थोड़ा यहाँ पे यार रिशोर हो रखा है ना। तो ये फोन है भाई, ये वाला, इस वाले फोन से मैं शूट करता था। इस फोन ने मुझे बहुत साथ दिया है और सच्ची में बहुत बढ़िया फोन था ये। बस ना पड़ा क्योंकि इसमें ना थोड़ा स्टोरेज की थोड़ी प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, स्टोरेज इसमें सिर्फ 16 GB है और सब चीज मेरे को इसी से करना पड़ता है। 16 GB इंटरनल है, उसके अंदर 2 GB रैम है। फोन काफी अच्छा है, ये नहीं कह रहा फोन बेकार है, नहीं फोन काफी अच्छा है, बस लेकिन स्टोरेज की वजह से मेरे को ये फोन चेंज करना पड़ा। अब ये काफी स्टोरेज वाला फोन है तो इसके अंदर 256 है जो मैं ये चल रहा है जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हो इस वाले फोन के अंदर, नए वाले में तो उसके अंदर 256 GB इंटरनल है और SD कार्ड मैंने भी 256 का ले लिया। बाकी स्टोरेज का लफड़ा सबसे ज्यादा खत्म। और अब मेरे ब्लॉग्स टाइम से आएंगे कि एक दिन तो आएंगे, मतलब रेगुलरली वीकली में कंटिन्यूस रहेंगे। बाकी चलो बहुत देरों की बात करते करते सोच रहा हूँ कि अरे बंदे कितना बोलता है, थकते नहीं है क्या। चलो ठीक है, काम करते हैं, जाके मिलते हैं शॉप पे जाके। लो भाई सिया मुबारक हो, तेरा फोन आ गया ना, ले भाई। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम ऐसे वाले रूम में, अभी भैया बात कर रहे हैं शंकी भैया से। ये अलग बनाऊं? कोई नहीं, जतिन भैया कैसा लग रहा है आपको? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से और बहुत दिन से, इस दिन का गजब बेइज्जती है। हाँ तो भाई मेरे को बहुत दिन से इंतजार था अपने फोन का और फाइनली मेरा फोन आ चुका है। तो भाई चलो इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। चाकू पाकू गए? अरे वो दो ना नाइफ। तो भाई एक्साइटमेंट इतनी हो रही है कि मतलब अनबॉक्सिंग करने के चक्कर में ना नाइफ ही भूल गए। बाकी एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से, दिख रहा ना शंकर भाई? तो भाई आओ चलो सब लोग मिल के अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय शिव शंकर। आराम से हाथ मत कटवा दियो ना। अरे यार खुल क्यों नहीं रहा? नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़।
3 hours later. यार बताओ, ऐसे पैक कर रखा है जैसे कभी खोलना ही नहीं है यार। देखते हो इतना वो कर रखा है इसको पूरा ऊपर से नीचे तक पैक। कैची दो क्या? करते हुए पूरे ले लियो। बोल दो। अरे इससे पढ़ ले। चेंज हो गई। तो भाई काम करते हैं, अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब फोन पूरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में बाकी आराम से। सो गाइस, फाइनली मेरा फोन आ चुका है, ये नया वाला। और जितनी जितनी आप लोग खुशी के मारे बॉडी दिखा रहे हैं अपनी, बाकी चलो मैं यहाँ पे सामने हूँ और जूम वगैरह सब अच्छा है। और सिया मजा आ गया अब तो? ऐसिया बाकी यार बताना आप लोगों को भी बताने की। सो गाइस चलो ठीक है, काम करते हैं। बाकी एक बार आप लोग इस कैमरे की थोड़ी स्टेबिलिटी बताना, थोड़ा अपग्रेड है ना मेरा कैमरा। बाकी चलो फिर एक काम करते हैं, थोड़ी देर मिलते हैं। 3 hours later. तो गाइस रात के बच चुके हैं 10 और बस हम लोग खा रहे हैं खाना। यहाँ पे मम्मी ने यहाँ पे बना रखा है छोले की सब्जी और पनीर और रायता और लड्डू और 2 पूरी। बाकी वहाँ पे रखी है, मम्मी ने खा लिया, मैं थोड़ा लेट हो गया खाना खाने में। जितिन ने भी खा लिया खाना यहाँ पे ऑलमोस्ट। अच्छा थोड़ा इसका रह गया, मतलब अभी कह रही थोड़ा सा तेरे उसमें से खाऊंगा। तो चलो एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो गाइस आप लोग बताना कि ये वाला ब्लॉग मेरा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला ब्लॉग मेरा कैसा लगा। सो गाइस टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।